वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर ऑन चैनल माइनिंग सपोर्ट। यहाँ पे चैप्टर 11 EM2 EMT वॉल्यूम 3 का रेस्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही कुछ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। वाइंडिंग, शाफ्ट फिटिंग्स और केजेस जो है कि चैप्टर है ना, तो उसमें से आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ना कि टू रिमूव द सेफ्टी हुक फ्रॉम द बेल सेट, अटैच द रॉप टू द टॉप होल जी ऑफ द सेंटर प्लेट बाय अ डी लिंक। लिफ्ट द केज स्लाइटली एंड आउटर प्लेट्स विल मूव डाउनवर्ड। ठीक है, हम लोग केज को डी लिंक मैंने जो है कि वो सेफ्टी हुक जो है कि बेल सेट में टच हो जाता है और रॉप को टॉप होल जी पे सेंटर प्लेट पे हम लोग ई करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लिफ्ट द केज, ठीक है, और सेफ्टी हुक को फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन पर लाने के लिए क्या करते हैं ना, लिफ्ट केज को स्लाइटली लिफ्ट करते हैं एंड आउटर प्लेट्स विल मूव डाउनवर्ड, और आउटर प्लेट्स जो है कि फिर डाउनवर्ड मूव करता है स्लाइटली, सो दैट द टॉप पार्ट ऑफ द हुक बिकम्स नैरोअर, और इस प्रकार की टॉप पार्ट जो है हुक का नैरोअर हो जाए और फिर वो फिर वापस आ जाए अपने पोजिशन पर। ठीक है, वेन एन ओवरवाइंडिंग हैज़ अकर्ड एक्सेसिवली, सीवियर शॉक्स विल हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द डिटैचिंग हुक। ठीक है, तो डिटैचिंग हुक बहुत सारा वर्क में काम में लाया जाता है, लेकिन जब ये ओवरवाइंडिंग जो है कि होता है, ठीक है, शाफ्ट में एक्सेसिव सीवियर शॉक विल हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द डिटैचिंग हुक। ठीक है, तो डिटैचिंग हुक जो है कि सीवियर शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड द सस्पेंशन गियर, और सस्पेंशन गियर एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और डिटैचिंग हुक और सस्पेंशन गियर जो है कि सीवियर शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो इट विल नेसेसरली इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी टू रिप्लेस बोथ हुक एंड केज चेन विद अ सेट विच हैव बीन एनेल्ड। ठीक है, तो मतलब एक बार ऑपरेशन होने के बाद, मतलब एक बार वर्क करने के बाद, ठीक है, हुक और केज चेन को, मैंने हुक और सेफ्टी हुक और केज चेन को जो है कि एनेलिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या, किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक क्या है, तो वही सेफ्टी हुक का ही काइंड है, किंग टाइप है एक, ठीक है, और एक आर्मर्ड टाइप होता है। ठीक है, तो किंग टाइप डिटैचिंग हुक में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रॉट आयरन प्लेट्स। ठीक है, तो किंग डिटैचिंग हुक क्या करता है, कंसिस्ट करता है 4 रॉट आयरन प्लेट्स, दैट इज 2 बींग मूवेबल इनर प्लेट्स एंड 2 फिक्स्ड आउटर प्लेट्स। ठीक है, 2 जो है कि मूवेबल इनर प्लेट्स होता है और 2 को जो है कि आउटर फिक्स्ड आउटर प्लेट्स होता है। ठीक है, किसमें, किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक में। ठीक है, किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक में 2 इनर मूवेबल इनर प्लेट्स होता है और 2 फिक्स्ड आउटर प्लेट्स होता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, मैन बोल्ट और सेंटर पिन पासेस थ्रू द होल्स एप। ठीक है, बोल रहा है मैन बोल्ट और सेंटर पिन जो है पास करता है कहाँ से, होल एप से, इन ऑल 4 प्लेट्स, चारों प्लेट से मैन सेंटर पिन पास करता है पॉइंट एप से, टू बाइंड द प्लेट्स टूगेदर, सब प्लेट को एक साथ बांधने के लिए। ठीक है, टू ट्रांसमिट द टेंशन इन द वाइंडिंग रॉप फ्रॉम द हुक ऑफ द इनर प्लेट्स टू द सेकल बोल्ट ऑफ द मैन डी लिंक। ठीक है, अब बोल रहा है कि टू ट्रांसमिट द टेंशन ऑफ द वाइंडिंग रॉप, वाइंडिंग रॉप का जो भी टेंशन होता है उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द हुक्स ऑफ द इनर प्लेट्स ऑफ द सेकल बोल्ट ऑफ द मैन डी लिंक। ओके, और अगला पॉइंट आता है किंग डिटैचिंग हुक का, टू प्रोवाइड ए पाइवोट ऑन विच द 2 इनर प्लेट्स कैन मूव। ठीक है, एक पाइवोट प्रोवाइड करता है जिसके बीच में 2 इनर प्लेट्स कैन मूव, 2 इनर प्लेट्स इसके आगे इर्द गिर्द मूव करता है। ठीक है, द हुक्स एम आर सो कर्व्ड दैट द पुल ऑफ द वाइंडिंग रॉप्स हैज नो टेंडेंसी टू ओपन आउट द इनर प्लेट्स। ठीक है, तो वाइंडिंग रॉप्स का बोला जा रहा है द हुक्स एम आर सो कर्व्ड, मैंने हुक जो है इतना कर्व किया रहता है, द हुक्स आर सो कर्व्ड दैट द पुल ऑफ द वाइंडिंग रॉप, वाइंडिंग रॉप का जो पुल होता है, खींचवाव जो होता है, हैज नो टेंडेंसी टू ओपन आउट द इनर प्लेट्स, इसका इतना टेंडेंसी नहीं रहता है कि ओपन आउट हो जाए, मैंने बाहर निकल जाए इनर प्लेट से। ठीक है, और कॉपर प्लेस जो है, कॉपर पिन जो है प्लेस्ड करता है थ्रू द होल सी इन ऑल 4 केसेस। ठीक है, 4 प्लेट्स एंड राइवेटेड ओवर ए प्रिवेंट इन एडवर्टेंट मूवमेंट ऑफ द इनर प्लेट्स व्हेन दे आर नॉट अंडर टेंशन। ठीक है, तो कौन सा पिन होता है, पिन किससे बना होता है, तो जो चारों प्लेट से पास करे वो कॉपर का बना होता है। ओके, अब डिटैचिंग हुक जो है कि जब मैंने ऑपरेशन मैंने यूज ना हो उस समय का है ये पहला, और दूसरा जब
यूज़ हो गया हो, माने केज जो है टंगा हुआ हो, उस केस का ये कंडीशन है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, हुक असेंबल्ड एंड इन ए वर्किंग ऑर्डर, ठीक है। हुक असेंबल्ड इन ए वर्किंग ऑर्डर मतलब अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, वर्किंग करने के वर्क करने के लिए है, लेकिन हुक डिटैच्ड खुल चुका है एंड मैंने हुक डिटैच हो चुका है रॉप वायर से एंड केज सस्पेंडेड ड्यूरिंग ओवर वाइंडिंग, और केज जो है सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, ठीक है, उस केस का है, ठीक है। फॉर लोअरिंग द केज आफ्टर एन ओवर वाइंडिंग अ वर्टिकल स्लॉट एच इज प्रोवाइडेड इन ईच आउटर प्लेट, ठीक है। मतलब हमको जब ओवर वाइंडिंग टेक्स प्लेस होता है तो केज जो है ऊपर टंगा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल स्लॉट एच जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ईच आउटर प्लेट, प्रत्येक आउटर प्लेट में, ठीक है। एंड एन इंक्लाइंड स्लॉट टी इन ईच इनर प्लेट्स, ठीक है, और टी इनर प्लेट में एक इंक्लाइंड स्लॉट देते हैं। द केज बींग सस्पेंडेड द स्लॉट इन द आउटर प्लेट्स रिमेन वर्टिकल बट दोज इन इनर प्लेट्स टेक डिफरेंट पोजिशन सो दैट ए क्लियर एलमोस्ट सर्कुलर होल इज स्टिल मेंटेन्ड थ्रू ऑल फोर प्लेट्स, ठीक है। द टू रिस्टोर द केज प्लेस अ फ्यू रेल्स अक्रॉस द सॉफ्ट टॉप, सॉफ्ट टॉप मैंने कुछ रिस्टोर केज को फिर उसी जगह पे लाने के लिए और इसको फिर से डिटैचिंग हुक से कनेक्ट करने के लिए रॉप वायर को हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेल्स डालते हैं ताकि हमारा शाफ्ट टॉप में हमारा केज टंगा हुआ हैंग हो जाए, सस्पेंड हो जाए। ब्रिंग द वाइंडिंग रॉप कैपल बैक, वाइंडिंग रॉप कैपल को हम लोग फिर एक दूसरे से जोड़ते हैं ओवर द पुली एंड अटैच इट टू द प्लेट्स बाई अ स्पेशल डीलिंग, और स्पेशल डीलिंग से इसको अटैच करते हैं। हुज पिन शुड पास क्लियर थ्रू द होल एच एच रेज द केज स्लाइटली एंड द पुल ऑफ द रॉप और न्यू और न्यू डीलिंग पिन कॉज द लेटर टू राइज अलॉन्ग द इंक्लाइंड फेसेस ऑफ द इनर स्लॉट टी, दिस फोर्सेज द हुक्स एम एंड कैचेस जी इनवर्ड्स टू देयर नॉर्मल पोजिशन, ओके। इस हिसाब से अगला पॉइंट आता है द केज टू द बैंकिंग लेवल रिप्लेस द हुक एंड फिट इट टू विद अ न्यू सियरिंग पिन, और इसको फिर से रिप्लेस करते हैं, किसको, सियरिंग पिन को हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रिप्लेस द हुक, सेफ्टी हुक को भी, डिटैचिंग हुक को हम रिप्लेस करते हैं और उसको एक नया सियरिंग पिन से हम लोग जोड़ते हैं। द कैच प्लेट ई ऑल्सो शुड बी द चेंज्ड, और कैच प्लेट को भी हम लोग चेंज करते हैं, मैंने जहाँ पे डॉग कैच जो है ना, तो कैच प्लेट को भी हम लोग चेंज करते हैं। डिटैचिंग हुक आर मेड ऑफ रॉट आयरन, तो डिटैचिंग हुक किससे बना हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो डिटैचिंग हुक आर मेड बाय और रॉट आयरन और ऑफ 1.5% मैंगनीज स्टील और ऑफ गोल्ड गुड क्वालिटी माइल्ड स्टील, ठीक है। तो रॉट आयरन से ही बना हो सकता है या तो 1.5% मैंगनीज स्टील, ठीक है, 1.5% मैंगनीज स्टील और गुड क्वालिटी माइल्ड स्टील, ठीक है, गुड क्वालिटी माइल्ड स्टील या तो 1.5% मैग्नीज स्टील, गुड क्वालिटी माइल्ड स्टील, गुड क्वालिटी माइल्ड स्टील या तो 1.5% मैग्नीज स्टील या तो रॉट आयरन से बना हो सकता है, कौन सा, डिटैचिंग हुक। द सियरिंग पिन इज अ वेरी डक्टाइल कॉपर, ठीक है, आप सियरिंग पिन के बारे में पूछ सकता है, तो सियरिंग पिन जो है कि इज अ वेरी डक्टाइल कॉपर, वो काफ़ी डक्टाइल मैंने खींचाव जो हो सकता है ज़्यादा उसमें, वो डक्टाइल कॉपर से बना होता है सियरिंग पिन, ओके। अब बोला रिफिटेड, बोरा टू मेंटेन डिटैचिंग हुक इन इफिशियंट वर्किंग कंडीशन इट मस्ट बी डिसमेंटेड एग्जामिंड एंड रिफिटेड एट, तो डिटैचिंग हुक को हम लोग रिफिटेड करते हैं, रिफिट करते हैं एट, फिर से फिट करते हैं एट लीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ, ठीक है। तो डिटैचिंग हुक हमारा सही से इफिशियंट वर्क करे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और फिर से पुनः सेट करते हैं, कितना, 6 महीने 6 महीना में एक बार। द ओपनिंग ऑफ द डिटैचिंग प्लेट और बेल इज टेस्टेड मंथली, ठीक है, और डिटैचिंग प्लेट का जो है ओपनिंग ऑपरेशन जो है कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका टेस्ट करते हैं हम लोग मंथली बाय कैलिपर्स और गॉजेज फॉर वियर अकरिंग फ्रॉम लैसिंग बाय द रॉप, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई टूट फूट ना हो इसलिए उसको हम लोग कैलिपर या गॉज से हम लोग देखते हैं कि मंथली टेस्ट करते हैं। ऑल द सस्पेंशन गियर शुड बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस बन सकता है कि सस्पेंशन गियर कितने महीनों में चेंज हो सकता है, तो सस्पेंशन गियर सॉरी यहाँ पे ईयर में है, ठीक है। ऑल द सस्पेंशन गियर जो है कि हमारा जो सारा सस्पेंशन गियर हमारा 10 साल में एक बार रीन्यू किया जा सकता है, ठीक है, मैंने करना चाहिए, ठीक है, 10 साल से ओवर हम आगे नहीं कैरी करेंगे, ठीक है, हम लोग 10 साल के अंदर हम लोग एक बार रीन्यू करेंगे सस्पेंशन गियर को, ठीक है। अगला पॉइंट आता है सेफ्टी कैच, ठीक है। सेफ्टी कैच कंसिस्ट बेसिकली ऑफ शॉर्ट लेवर्स माउंटेड इन द हेड गियर एट इंटरवल दैट वेरी फ्रॉम 0.3 to 1 meter, ठीक है। सेफ्टी कैच कंसिस्ट करता है बेसिकली ऑफ शॉर्ट लेवर्स माउंटेड इन द हेड गियर एट इंटरवल दैट वेरी फ्रॉम 0.3 to 1 meter, ठीक है। सस्पेंशन गियर जो है कि हमारा माउंटेड होता है हेड गियर में से, ठीक है, सस्पेंशन
सेप्टिक कैचेस, सॉरी सेप्टिक कैचेस कंसिस्ट बेसिकली ऑफ शॉर्ट लिवर्स, ठीक है, शॉर्ट छोटे छोटा लिवर्स कंटेन करता है सेप्टिक कैच, जो कि माउंटेन होता है कहाँ पे, ना हेड गियर पुली पे, ठीक है, एट इंटरवल्स दैट वेरी फ्रॉम 0.3 to 1 meter, ठीक है। अब हो रहा है क्या, द सेप्टिक कैचेस शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट और डस्ट, कोल्ड डस्ट, एंड टू इंश्योर देयर फ्री मूवमेंट, ठीक है। तो सेप्टिक कैच जो है कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका जानकारी हम लोग हर क्या बोलते हैं रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग रेगुलरली चेक करेंगे कि उसमें किसी प्रकार का धूल करता है, कोल्ड डस्ट ना जमा हो, ठीक है, और फ्रीली मूव करता हो, ठीक है। बोला डिटैचिंग सेफ्टी हुक प्रोवाइड सेफ्टी फॉर असेंडिंग केज एंड अरेस्ट इट इट्स असेंट, ठीक है। बोला द डिटैचिंग सेफ्टी हुक प्रोवाइड सेफ्टी फॉर असेंडिंग केज, ठीक है, मैंने असेंडिंग मैंने बढ़ते हुए केज को आगे बढ़ाने के लिए डिटैचिंग सेफ्टी हुक प्रोवाइड सेफ्टी, तो सेफ्टी प्रोवाइड करता है वो डिटैचिंग केज एंड अरेस्ट इट्स असेंट, और इसके असेंट को बढ़ते आगे और ना बढ़े इसके लिए उसको अरेस्ट कर लेता है कौन, डिटैचिंग सेफ्टी हुक, ठीक है। अब हो रहा है कॉपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग इन द इन विच सपोर्टिंग जो जॉइस्ट्स आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड एट पिट बॉटम, ओके, कॉपे सिस्टम ऑफ वाइंडिंग इन विच सपोर्टिंग जॉइस्ट्स आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड एट पिट बॉटम, कॉपी सिस्टम ऑफ वाइंडिंग जो है एक ऐसा वाइंडिंग जिसमें सपोर्टिंग जॉइस्ट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है पीट बॉटम पे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है क्या, कैप्स क्या है, ठीक है, तो कैप्स आर रिट्रेचेबल, ठीक है, रिट्रेचेबल सपोर्ट फॉर केजेस एंड हैव टू बी यूज्ड एट द पीट टॉप अंडर, कैप्स आर द रिट्रेचेबल रिट्रैक्टेबल, ओके, कैप्स आर रिट्रैक्टेबल रिट्रैक्टेबल सपोर्ट फॉर केजेस रिट्रैक्ट, ठीक है, कैप्स आर रिट्रैक्टेबल सपोर्ट फॉर केजेस एंड हैव टू बी यूज्ड एट द पीट टॉप अंडर आवर माइनिंग रेगुलेशन, ठीक है, ये पीट टॉप में ही कैप्स जो है यूज होता है, ठीक है, ये रिट्रैक्टेबल सपोर्ट है, कैप्स कैसा सपोर्ट है ना, रिट्रैक्टेबल सपोर्ट है किसके लिए ना, फॉर केजेस, ठीक है। द केजेस रेस्ट ऑन द रिगिड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टील गार्डर्स एंड वुडन प्लैंक्स, ठीक है, केज जो है कि रिगिड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टील गार्डर पे रेस्ट करे या तो वुडन प्लैंक्स पे, कैप्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द मिड सेट लैंडिंग, ठीक है, कैप्स जो है मिड सेट लैंडिंग में रिक्वायर्ड नहीं होता है एंड इन द सेफ्ट सर्व्ड बाय कॉपे वाइंडिंग सिस्टम, ठीक है, और ये जो है कि कैप्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द मिड सेट लैंडिंग एंड इन ए सेफ्ट सर्व्ड बाय कॉपे वाइंडिंग सिस्टम, और कॉपे वाइंडिंग सिस्टम में यदि सेफ्ट है तो वहाँ पे कैप्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, तो ड्रम वाइंडिंग में ही कैप्स यूज होता है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, तो कैप्स कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना, ड्रम वाइंडिंग में, ओके। इन द केस ऑफ कॉपी वाइंडर द डेकिंग डिफिकल्टीज अराइजेस, ठीक है, तो कॉपी वाइंडर्स में हमारा डेकिंग डिफिकल्टीज होता है जिसके कारण एंड आर ओवरकम बाय यूज ऑफ टिल्टेड और हिंज्ड प्लेटफॉर्म, और उसको ओवरकम किया जाता है टिल्टेड या तो हिंज्ड प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है, किसमें ना, कॉपी वाइंडर में, ठीक है, तो डिटैचिंग रिगिड कैप्स जो है इस तरह से है, पुली केज जाके उसमें रेस्ट कर रहा है, लीवर है, बैंकिंग लेवल है और एडजस्टर है, रिगिड है, कैप्स है, ठीक है, रिगिड कैप्स है, ठीक है, रिगिड कैप्स इस हिसाब से आगे बना हुआ रहता है, ठीक है। कैप्स आर मैनुअली ऑपरेटेड बाय द बैंक्समैन एट द पिट टॉप, कैप किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, बैंक्समैन के द्वारा, कहाँ पे ना, पिट टॉप पे, द असेंडिंग केज पुशेस द कैप्स बैक, ठीक है, असेंडिंग केज मैंने आगे बढ़ रहा हूँ, केज जो है कि पुशेस द कैप्स बैक एंड एज इट इज रेज्ड स्लाइटली हायर देन द डेकिंग लेवल, वेन द कैप्स फॉल बैक इन द पोजिशन बाय ग्रेविटी एज द बैंक्समैन रिलीजेज द ऑपरेटिंग लीवर, ठीक है, और जैसे ही लीवर ऑपरेटिंग लीवर को बैंक्समैन छोड़ता है तो कैप्स अपने ग्रेविटी की वजह से फिर धीरे धीरे नीचे हैंग होता है और वो आके उस पर रेस्ट करता है, किसमें ना, कैप्स पे, ठीक है, केज। कैप्स में भी ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर, ठीक है, कैप्स जो है हाइड्रोलिक भी हो सकता है और न्यूमेटिक पावर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, वेयर द कैप्स आर न्यूमेटिकली ऑपरेटेड दे आर इंटरलॉक्ड, ठीक है, जहाँ पे कैप्स न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है दे आर इंटरलॉक्ड विद द अदर डेकिंग इक्विपमेंट सो दैट दे कैन बी विदड्रॉन और बाउट इन टू यूज एट करेक्ट टाइम इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एसोसिएटेड इक्विपमेंट एट द पिट टॉप, ओके। गाइड्स यूज्ड इन अ माइन शाफ्ट, ठीक है, कितने प्रकार का माइन शाफ्ट में गाइड्स यूज होता है, ठीक है, तो गाइड्स यूज इन माइन शाफ्ट आर रिगिड गाइड्स और फ्लेक्सिबल गाइड्स, ठीक है, रिगिड गाइड्स और फ्लेक्सिबल या तो रॉप गाइड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रिगिड गाइड्स आर ऑफ हार्डवुड और स्टील रेल सेक्शन, ठीक है,
Example of wooden rigid guides are rare in the country. In this country, they are rectangular cross section, usually 10 by 20 centimeter. They are fixed by countersunk bolts of the bunton placed across the shaft at interval of 1.8 meter to 3 meter. They suffer from the risk of fire. लेकिन हम लोग जो है rigid support में wood का इस्तेमाल इस नहीं करते क्योंकि they suffer from the risk of fire. वो risk of fire को से suffer होता है, ठीक है? अब और flexible girder consists of wire ropes which may be of locked coil construction of 1/6 construction with the thick wire, ठीक है? तो thick wire जिसका 1/6 construction होता है, मैंने एक एक स्ट्रैंड में 6 वायर होता है, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल गाइड्स रॉप, फ्लेक्सिबल गाइड्स कंसिस्ट ऑफ वायर रॉप्स ऑफ व्हिच मे बी ऑफ लॉक्ड कॉइल कंस्ट्रक्शन और ऑफ 1/6 कंस्ट्रक्शन व्हिच मे व्हिच विथ थिक वायर, ठीक है? दे आर सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल शाफ्ट फ्रॉम ए सिक्योर अटैचमेंट प्लेस्ड ऑन द टॉप अक्रॉस नंबर मेंबर्स ऑफ द हेड गियर व्हाइल एट द शाफ्ट बॉटम. दे आर गिवन द रिक्विजाइट अमाउंट ऑफ टेंशनिंग बाय प्लेसिंग चीज वेट्स ऑन देम, ठीक है? इस हिसाब से बोल रहा है इन शाफ्ट विच आर नॉट डीप 2 और 3 गाइड्स पर केज सफिश, ठीक है? जैसा शाफ्ट जो ज़्यादा डीप ना हो वहाँ पे 2 से 3 गाइड्स जो है पर केज दिया जाता है, वो सफिशियंट होता है. लेकिन डीप शाफ्ट के लिए 4 गाइड्स पर केज दिया जाता है फॉर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड द गाइड्स आर अरेंज नियर द कॉर्नर्स ऑफ द केज. और गाइड्स जो है कि कॉर्नर्स ऑफ द केज में हम लोग दिया जाता है, ठीक है? अगला आता है बफर, ठीक है? बफर रॉप्स आर अरेंज्ड बिटवीन द केज एंड आउटसाइड ऑफ द केज साइड, ठीक है? बफर रॉप जो है कि अरेंज्ड किया जाता है, क्या अरेंज्ड बिटवीन द केज एंड आउटसाइड ऑफ द केज साइड, ठीक है? बिटवीन द केज या तो आउटसाइड द केज साइड दिया जाता है. द बफर रॉप्स आर नॉट अरेंज्ड टू द केज थ्रू सू बट नॉट बट आर हंग फ्रीली फ्रो विथ प्रॉपर टेंशन, ठीक है? बफर रॉप जो है कि आर नॉट अटैच टू द केज थ्रू सूज बट आर हंग फ्रीली विद द प्रॉपर टेंशन. प्रॉपर टेंशन की वजह से बफर पुली को, बफर रॉप्स को अटैच किया जाता है, ठीक है? द मिनिमम स्पेस बिटवीन द टू केजेज इज जनरली 40 सेंटीमीटर. पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि दो केज के बीच में हमारा कितना का डिस्टेंस होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ द केजेज एट द गाइड स्टॉप. ऑक्सीजिलेट ड्यूरिंग द विंड द मैक्सिमम ऑक्सीलेशन एट द मिड रन ऑफ द वाइंड, ठीक है? मिड रन जहाँ पे वाइंडिंग का माने केज जो है मिड रन करे, माने मध्य में, माने पूरा वो टॉप टू बॉटम जितना मिड में हमारा ज़्यादा ऑक्सिलेट करता है, ठीक है? तो टच होने का एक दूसरे केज में ज़्यादा डर होता है, ठीक है? तो उस केस में हम लोग 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाए रखते हैं किसमें, दो केज के बीच में. द मैक्सिमम कोलिजन बिंग एट द मिड रन ऑफ दैट केजेज द टेंशनिंग वेट्स आर अबाउट 10 kN/100 meter डेप्थ, ठीक है? तो टेंशनिंग वेट्स कितना है, अबाउट 10 kN होता है पर 100 meter डेप्थ. 100 meter के डेप्थ में 10 kN का हमारा टेंशनिंग वेट्स होता है, ठीक है? इन सेलो शाफ्ट आर अबाउट 5 kN/100 meter ऑफ डेप्थ इन डीप शाफ्ट, ठीक है? और सेलो शाफ्ट में क्या होता है, अबाउट 5 kN/100 meter डीप शाफ्ट होता है, ठीक है? द कैपल सस्पेंडर्स, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द क्रॉस मेंबर्स ऑफ द हेड गियर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए रिलायंस कैपल, ठीक है? वो रहा है द कैपल सस्पेंडर्स प्लेस्ड ऑन द क्रॉस मेंबर्स ऑफ द हेड गियर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए रिलायंस कैपल, ठीक है? तो कैपल जो है सस्पेंडर्स प्लेस होता है क्रॉस मेंबर्स में हेड गियर में, तो वो फॉर्म होता है किस तरह का, रिलायंस कैपल का फॉर्म होता है, ठीक है? अगला पॉइंट आता है, इस हिसाब से हमारा सारा अरेंजमेंट है. गाइड रॉप है, वेज कैपल है, वेजेज है, गाइड रॉप्स है, वेजेज है, कैपल है, ठीक है? कैपल देख रहा है ना सिलेंडर टाइप का कैपल है, ठीक है? उसके बाद कैपलिंग में वाइट मेटल जो हमारा सबसे मध्य में रहता है, वाइट मेटल, ठीक है? वाइट मेटल होता है, फिर कैपल होता है, ठीक है? इस हिसाब से हमारा सारा चीज़ अरेंज्ड होता है. इन द फॉर्म ऑफ वाइट मेटल फील्ड कॉनिकल कैपल फॉर्म्ड इन द सेम मैनर इज एज ऑफ वायर रॉप, ठीक है? अब आता था रिकमेंडेड लाइफ ऑफ रॉप गाइड्स इज 10 ईयर्स, ठीक है? रॉप गाइड्स का रिकमेंडेड लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है, ठीक है? रॉप गाइड्स, ठीक है, रॉप गाइड्स का 10 साल तक हम लोग रिकमेंड किया जा सकता है यूज़ के लिए. इफ़ द वायर ऑफ द गाइड रॉप्स आर थिक इनफ, ठीक है, इफ़ द वायर ऑफ द गाइड रॉप्स आर थिक इनफ दे मे बी दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग डॉग नेल्स, ठीक है? तो उसको यदि वायर रॉप जो है गाइड रॉप काफ़ी यदि मोटा है तो दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग डॉग नेल्स आफ्टर द गाइड ड्रॉप इज डिस्कार्डेड, ठीक है? तो गाइड ड्रॉप यदि डिस्कार्ड हो गया था तो उसको डॉग नेल बनाने के लिए, डॉग नेल्स बनाने के लिए, डॉग नेल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है?
वाइंडिंग रॉप्स एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, वाइंडिंग रॉप में किस तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखना जाता है, ठीक है, देखते हैं। अ होस्टिंग रॉप अंडर लोड इज सब्जेक्टेड मेनली टू द फॉलोइंग स्ट्रेसेस, ठीक है, होस्टिंग रॉप जो है अंडर लोड में किस तरह का मेनली स्ट्रेस सस्पेंडेड होता है, सब्जेक्टेड मेनली टू द फॉलोइंग स्ट्रेसेस, किस तरह का स्ट्रेसेस उसमें होता है, सो देखते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड बिंग रेज, ठीक है, लोड को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ रॉप्स राउंड द सीप्स एंड वाइंडिंग ड्रम्स, ठीक है, स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ रॉप राउंड द सीप्स एंड वाइंडिंग ड्रम, स्ट्रेसेस ड्यू टू सडन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, है ना, स्ट्रेसेस ड्यू टू इनिशियल स्लैकनेस इन रॉप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ ए वाइंडिंग रॉप, ठीक है, वाइंडिंग रॉप में क्या क्या पॉइंट जो है कि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेंज करता है या तो हानि पहुंचाता है, वो देखते हैं। द डेप्थ ऑफ वाइंड, ठीक है, वाइंडिंग यदि डेप्थ में ज़्यादा है, ज़्यादा डेप्थ है वाइंड का, तो फिर उसमें क्या होता है, ए हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नियरली 10 इज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट इन अ डीप शाफ्ट एज दिस वुड रिक्वायर ए रॉप ऑफ लार्ज डायमीटर इंक्रीजिंग इट्स वेट वेट, ठीक है, तो उस समय हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जो बोल रहा है कि हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नियरली 10, मैंने 10 के बराबर हम लोग लेते हैं, जब कभी इज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट ए डीप शाफ्ट इन द वुड रिक्वायर ए रॉप ऑफ लार्ज डायमीटर इंक्रीजिंग इट्स वेट, तो उस समय हम लोग यदि लार्ज डायमीटर का ये है वाइंडिंग रॉप है ड्रम है, वाइंडिंग ड्रम का डाया भी लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, उस समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिंपल डेप्थ ऑफ वाइंड यदि ज़्यादा है तो हम लोग फैक्टर सेफ्टी नियरली 10 लेते हैं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सम वाट लेस देन 10 इज परमिसेबल इन डीप शाफ्ट, तो उस समय बोल रहा है कि फैक्टर सेफ्टी जो हमारा 10 से कम होना चाहिए, फैक्टर सेफ्टी ऑफ सम वाट लेस देन 10 इज परमिशेबल इन डीप शाफ्ट, डीप शाफ्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 10 से कम होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉप, फॉर ए गिवन डायमीटर ऑफ रॉप ए लॉग्ड क्वाइल रॉप इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्ट्रैंडेड रॉप, ठीक है, तो लॉग्ड क्वाइल रॉप जो होता है बोल रहा है फॉर ए गिवन डायमीटर ऑफ ए रॉप, मैंने सेम यदि डायमीटर यदि रॉप का है तो बोल रहा है क्या, रॉप क्वाइल रॉप लॉग्ड क्वाइल रॉप जो है स्ट्रॉन्गर होता है स्ट्रैंडेड रॉप से विद द फाइबर कोर, ठीक है, फाइबर कोर जो है उसमें, तो सिंपल लॉग्ड क्वाइल रॉप जो है स्ट्रॉन्गर होता है किससे ना, स्ट्रैंडेड रॉप से विद फाइबर कोर, इट मे देयर फोर बी समटाइम्स नेसेसरी टू यूज ए लॉग्ड क्वाइल रॉप टू अवॉइड ए लार्ज डायमीटर स्ट्रैंडेड रॉप इफ एग्जिस्टिंग हेड गियर, ठीक है, बोल रहा है क्या, इट मे बी देयर फोर समटाइम्स नेसेसरी टू यूज ए लॉग्ड क्वाइल रॉप, तो इससे कहीं कहीं ये जरूरत होता है कि लॉग्ड क्वाइल रॉप को हम लोग यूज़ करेंगे टू अवॉइड ए लार्ज डायमीटर, टू अवॉइड ए लार्ज डायमीटर स्ट्रैंडेड रॉप, ठीक है, लार्ज डायमीटर स्ट्रैंडेड रॉप को अवॉइड करने के लिए, लार्ज डायमीटर स्ट्रैंडेड रॉप को अवॉइड करने के लिए इफ एग्जिस्टिंग हेड गियर पुलिस वाइंडिंग ड्रम्स इट सी हैव टू बी यूज फॉर ए डीपर डिपेंड शाफ्ट, ठीक है, तो लॉग्ड क्वाइल रॉप को प्रीफर किया जाता है क्योंकि उसमें जो कि लॉग्ड क्वाइल रॉप टू अवॉइड लार्ज डायमीटर स्ट्रैंडेड, मैंने उसमें स्ट्रेस बियरिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। अब हो रहा है क्या, ए रॉप इज इन ए इन एन अपकास्ट शाफ्ट विच नॉर्मली हैज हायर मोइस्चर कंटेंट, ठीक है, बोल रहा है क्या, ए रॉप इन एन अपकास्ट शाफ्ट, अपकास्ट शाफ्ट में जो रॉप पार किया जाता है या रहता है विच एब नॉर्मली हैज हायर मोइस्चर कंटेंट, तो उसमें ज़्यादा मोइस्चर पकड़ता है, ठीक है, एंड हायर टेम्परेचर कंपेयर टू ए डाउनकास्ट शाफ्ट हैज ए लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो लोअर फैक्टर सेफ्टी किधर होता है, डाउनकास्ट शाफ्ट में जो रॉप वायर होता है उधर, ठीक है, अपकास्ट शाफ्ट में ज़्यादा मोइस्चर पकड़ता है तो उसका फैक्टर सेफ्टी ज़्यादा होता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रॉप्स बोल रहा है, बेंडिंग ऑफ वाइंडिंग ड्रम्स लोअर्स देयर स्ट्रेंथ एंड इनकरेज फैटिग्स, ठीक है, तो बोल रहा है ना बेंडिंग ऑफ वाइंडिंग रॉप्स, ठीक है, वाइंडिंग रॉप्स में यदि ज़्यादा ये हो, ठीक है, तो उसका रॉप्स लोअर्स देयर स्ट्रेंथ, तो रॉप्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट जाता है एंड इनकरेज फैटिग्स, और फैटिग को इनकरेज करता है, दिस रिड्यूसेज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इस तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को घटा देता है, ठीक है, एंड बेंडिंग ऑफ रॉप्स वुड देयर फोर बी मिनिमम ड्रम्स, ठीक है, और इस तरह से बेंडिंग ऑफ रॉप्स जो है कम होना चाहिए, ठीक है। ड्रम्स एंड पुली ऑफ ऑन अ स्मॉलर इंस्टॉलेशन आर अबाउट 60 टाइम्स, बोल रहा है ना ड्रम्स एंड पुली ऑन अ स्मॉलर इंस्टॉलेशन, ड्रम और पुल्ली जो है स्मॉलर इंस्टॉलेशन में आर अबाउट 60 टाइम्स द रॉप डायमीटर, ड्रम और पुल्ली ऑन ए स्मॉलर इंस्टॉलेशन आर अबाउट 60 टाइम्स द रॉप डायमीटर, बट रॉप डायमीटर के 60 गुना होना चाहिए ड्रम और पुल्ली का डायमीटर, किस में, जब मैंने वो होता है जब स्मॉलर इंस्टॉलेशन की केस में, लेकिन बट फॉर माइन वाइंडर्स, ठीक है, लेकिन इस समय यहाँ ध्यान देना है, यदि माइन वाइंडर्स लगा हुआ है द रेशियो इज नियरली अबाउट 100 टाइम्स, ठीक है, यदि माइन वाइंडर्स है तो उस केस में हमारा ड्रम और पुल्ली वाइंडर है, ड्रम और पुल्ली वाइंडर है तो उस केस में हमारा
ड्रम और पुली इंस्टॉलेशन है तो 60 टाइम्स होना चाहिए रॉक के वायर का, लेकिन वहाँ पे यदि माइन वाइंडर्स है तो रेशियो नियरली 100 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान रखना है, बार बार सुनना है, ठीक है? फॉर रॉप्स ऑफ ड्रम वाइंडर्स, फॉर रॉप ऑफ ड्रम वाइंडर्स यूज फॉर मैन वाइंडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजली 10, ठीक है? जहाँ पे मैन वाइंडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज हमारा होता है वो 10 होना चाहिए, बट फ्रिक्शन वाइंडर इज नियर बिटवीन 6.5 से 8, ठीक है? ड्रम वाइंडर के लिए हमारा फैक्टर सेफ्टी 10 होना चाहिए, लेकिन कॉपी वाइंडर या तो फ्रिक्शन वाइंडर के लिए 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? फैक्टर सेफ्टी 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए, कहाँ? फ्रिक्शन वाइंडर के लिए। ए लोअर सेफ्टी फैक्टर इज यूज फॉर फ्रिक्शन वाइंडर एज द केज मस्ट हैंग ऑन द रॉप ऑल द टाइम सिंस नो कैप्स आर प्रोवाइडेड एंड नो शॉक स्ट्रेसेस एज डिस्क्राइब्ड अबव ट्रांसमिटेड थ्रू द वाइंडिंग रॉप एट द स्टार्ट ऑफ द विंड, ठीक है? जब वाइंड होता है तो उसमें कोई ये नहीं है, कैप्स नहीं है जिसके कारण उसमें झटका पड़े, उसमें रेस्ट करे, उसे आगे बढ़े, नीचे उतरे, झटका देखे, ठीक है? तो इसलिए उसका फैक्टर सेफ्टी 6.5 से 8 के बीच में होता है। अंडर द कोल माइन रेगुलेशन द फैक्टर सेफ्टी शुड बी एटलीस्ट 10 फॉर ए वाइंडिंग रॉप थ्रू डीजीएमएस कैन गिव इन रिलैक्सेशन इन डिजर्विंग केस, ठीक है? डिजर्विंग केस में जो है डीजीएमएस उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। द वाइंडिंग रॉप शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3.5 ईयर टू यूज, ठीक है? अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? द वाइंडिंग रॉप शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3.5 ईयर्स ऑफ यूज, ठीक है? तो वाइंडिंग रॉप जो है, वाइंडिंग रॉप कितने महीनों में उसको चेंज किया सकता है? तो वाइंडिंग रॉप जो है कि, ठीक है, वाइंडिंग रॉप जो है कि कम से कम 3 महीना या तो 6 महीना में बदला जाता है, ठीक है? द वाइंडिंग रॉप शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 3.5 ईयर्स ऑफ यूज, ठीक है? 3 महीना या 6 महीना में वाइंडिंग रॉप को हम लोग बदल सकते हैं या तो चेंज करते हैं, ठीक है? द रॉप नियर द कैपल मिनिमम 2 मीटर लॉन्ग हैज़ टू बी कट वंस एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स, ठीक है? तो बोल रहा है कि रॉप जो है कैपल के नज़दीक में जो रॉप होता है उसको 2 मीटर हमेशा हर 6 महीना में हम लोग काट के हटाते हैं, ठीक है? और रिकैप्ड करते हैं, रॉप रिकैप्ड, ठीक है? तो रॉप कैपल के जो सामने जो है कि 2 मीटर के वायर को हम लोग काट के हटाते हैं और उसको हर 6 महीना में हम लोग उसको चेंज करते हैं। सच रिकैपिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी ओवर बाइंडिंग इंसिडेंट ऑल्सो, और ऐसा जो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ओवर बाइंडिंग जो है टेक प्लेस करता है, ठीक है? द एक्स्ट्रा रॉप फॉर सच रिकैपिंग इज प्रोवाइडेड फॉर वेन एवर ए न्यू रॉप इज फर्स्ट इंस्टॉल्ड एंड एक्स्ट्रा लेंथ इज कैप्ट कॉइल्ड ऑन द ड्रम शाफ्ट इन रिजर्व, ठीक है? तो जहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, हम लोग रॉप को न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इतना एक्स्ट्रा वायर को, रॉप वायर को हम लोग पहले से ही लेकर के चलते हैं, ठीक है? स्प्लाइसिंग ऑफ वाइंडिंग रॉप इज नॉट परमिटेड, ठीक है? तो वाइंडिंग रॉप में हम लोग कोई किसी प्रकार का स्प्लाइसिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? द रेगुलेशन रिक्वायर दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग रॉप ऑन द ड्रम, और रेगुलेशन यह कहता है कि कम से कम 2 टर्न वाइंडिंग रॉप का जो हमेशा ड्रम में लटका रहे, ठीक है? व्हेन द केज इज एट द लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन द शाफ्ट, जब भी केज जो है लोवेस्ट वर्किंग शाफ्ट में हो, ठीक है? नॉर्मली 5 से 6 टर्न्स आर प्रोवाइडेड व्हेन ए न्यू रॉप इज फिटेड। अब जो बोल रहा है कि कम से कम कितने टर्न जो है कि न्यू रॉप फॉर फिटेड होता है तो लगा होता है, तो न्यू रॉप व्हेन न्यू रॉप इज फिटेड नॉर्मली 5 to 6 टर्न्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द न्यू रॉप इज फिटेड, ओके? जब नया रॉप लगाया जाता है तो 5 से 6 टर्न पहले से ही उसमें वाइंडिंग ड्रम में लगा रहता है। इट्स अ फर्स्ट इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर एवरी रिकैपिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक एटलीस्ट 5 ट्रिप्स अप्स एंड डाउन द शाफ्ट व्हेन लोडेड केज स्किप और बिफोर दे आर यूजिंग इन मैन वाइंडिंग, ठीक है? तो मैन वाइंडिंग यदि 5 से 6 ट्रिप, पहला इंस्टॉलेशन में 5 से 6 ट्रिप यदि अप डाउन हो गया है तो केज को हम लोग क्या करते हैं ना, रिकैपिंग करते हैं, ठीक है? तो रिकैपिंग माने जब न्यू इंस्टॉलेशन है तो केज को कितने दिन, कितने अप डाउन में रिकैपिंग करते हैं, तो 5 से 5 ट्रिप अप डाउन में, अप डाउन यदि हो जाता है 5 बार तो हम उसको रिकैपिंग करते हैं। बोले अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिकैपिंग वंस एवरी 6 मंथ इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ कॉपी वाइंडर्स, ठीक है? तो कॉपी वाइंडर या तो फ्रिक्शन वाइंडर जिसको बोलते हैं, जिसमें 6 महीना में हम लोग क्या बोलते हैं रिकैपिंग जरूरी नहीं है, ठीक है? द रीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिकैपिंग वंस एवरी 6 मंथ इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ कॉपी वाइंडर्स, तो कॉपी वाइंडर में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रम वाइंडर में ऐसा जरूरी है, ठीक है? द मैक्सिमम लाइफ ऑफ वाइंडिंग ड्रॉप अंडर रेगुलेशन इज 3.5 साल, ठीक है? 3.5 ईयर्स, ठीक है? तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ वाइंडिंग रॉप का मैक्सिमम लाइफ कितना होता है रेगुलेशन के हिसाब से ना, 3.5 साल होता है। बट द डायमीटर बट द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी मे गिव एन एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्ट द लाइफ, ठीक है? तो डीजीएमएस जो है इसके लाइफ में रिलैक्सेशन या तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर रिकैपिंग ए रॉप द केज इज फर्स्ट मेड टू रेस्ट 2 से 3 गार्डर्स, ठीक है? और रिकैपिंग करने के दौरान हम लोग केज को 2 से 3 गार्डर में हम लोग उसको
क्या करते हैं ना, रेस्ट करते हैं, मैंने रुकवाते हैं, प्लेस्ड अक्रॉस द शाफ्ट टॉप, और शाफ्ट टॉप में हम लोग गार्डर्स को देते हैं, एंड सफिशियंट स्लैक रॉप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्पार कॉयल्स ऑन द वाइंडिंग ड्रम्स टू इनेबल ए लेंथ ऑफ द रॉप टू बी कट ऑफ। ओके, तो यहाँ तक पूरा वाइंडिंग, शाफ्ट फिटिंग्स और केजेस के बारे में सारा कंप्लीट हो गया, जितना सेफ्टी डिवाइसेस था सब चीज़ कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं। कीप कंटिन्यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।